हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इस फिगर के अंदर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड 6 है। हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक फिगर जो है रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड तीनों 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और एक और चीज़, ए बी सी डी जो है स्क्वायर है, तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के, इसका मतलब है ए बी पैरेलल होगा वाई जेड के, ठीक है। अब एंगल वाई, ठीक है, एंगल वाई और एंगल एक्स ए बी, ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और वाई जेड पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो एक्स ए बी हो गया 60 डिग्री का। उसी तरह एंगल जेड और एंगल एक्स बी ए, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री का। अब पहले से हम लोगों को पता है कि एंगल एक्स 60 है और ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो ट्रायंगल एक्स ए बी, यानी ट्रायंगल एक्स ए बी क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट 3/4 साइड स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा रूट 3/4 इंटू, इसका साइड कितना है, 6 है, क्योंकि ए बी 6 है तो ये भी 6 होगा, ए एक्स बी और बी एक्स भी 6 होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 6 स्क्वायर, यानी रूट 3/4 इंटू 36 इक्वल्स 9√3। तो अभी ए बी एक्स जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड कर लेंगे और बाकी सबको तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया पता हो जाएगा। तो आते हैं अब ट्रायंगल ए डी वाई में, ठीक है। ट्रायंगल ए डी वाई में ये एंगल वाई जो है 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और ए डी 6 होगा क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो गया 60 और ए डी हो गया 6। टैन 60 बराबर होता है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, यानी टैन 60 इक्वल्स हो जाएगा ए डी बाई वाई डी, ठीक है, और टैन 60 का वैल्यू होता है रूट 3, तो रूट 3 इक्वल्स हो जाएगा 6 बाई वाई डी, ठीक है, रूट 3 इक्वल्स 6, इसका लेंथ 6 दिया गया तो 6 दे देंगे बाई वाई डी, तो वाई डी इक्वल्स हो जाएगा 6 बाई रूट 3 इक्वल्स 2√3, तो वाई डी का लेंथ हमें पता हो गया 2√3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई, ए डी वाई का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू वाई डी इंटू ए डी, तो हाफ इंटू 2√3 क्योंकि वाई डी का लेंथ 2√3 है, तो हाफ इंटू 2√3 इंटू 6, ए डी का लेंथ 6 है, तो हाफ इंटू 2√3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6√3। तो ट्रायंगल ए डी वाई का भी एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब ट्रायंगल बी सी जेड का एरिया भी क्या होगा, सिमिलरली उसी तरह से 6√3 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका और इसका एरिया दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, यानी इसका भी एरिया हो गया 6√3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी जेड इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स कितना है 9√3 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी वाई है 6√3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी जेड भी है 6√3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21√3, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा 21√3।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।